हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है बिलियन, बिले और बिलायक का फुल डिटेल्स लाया हूं। और दोस्तों, इससे जो है आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा देखे और आपको समझ में आए तो कॉमेंट अवश्य करे, और ना समझ में आए तो फुल्ली कॉमेंट करे, एकदम जिंदाबाद। तो चलिए, सबसे पहले नंबर एक नंबर में हम लोग पढ़ेंगे बिले। क्या पढ़ेंगे? बिले। बिले को हम लोग या करके बोलेंगे घुल या घुल्लाए, और इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूट, सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं? अब देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन क्या होता है, सो ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छा से मैं समझाऊंगा और आप समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, बिले या घुल्ला या घुल्ला क्या है? तो वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में या किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिले या घुल्ला या घुल्ल कहते हैं। बात आप लोग समझ रहे हैं? और ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? घुल्लाए कहते हैं, जिसको हम लोग बिले कहते हैं, घुल्लाए कहते हैं। जैसे में चीनी कौमा नमक पानी में, चीनी एवं नमक कौमा पानी में घुल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो चीनी और नमक जो है ये बिले हो गया। क्या हो गया? बिले हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि चीनी और नमक क्या है। तो चीनी और नमक जो है दोस्तों क्या है? तो बिले है या घुल है या घुल्ला है, जो किसी दूसरे पदार्थ में यानी कि पानी में घुल जाता है। तो कहिएगा कि पदार्थवा दुनो है, एक के किस्म का पदार्थ पदार्थ, तो पदार्थ के तीन अवस्था, ठोस द्रव और गैस। तो ये जो है ठोस की अवस्था में है और पानी जो है द्रव अवस्था में है, तो ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है। वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, उसे हम बिले कहते हैं। अब हम लोग बिलायक के बारे में जानेंगे। क्या चीज के बारे में? बिलायक के बारे में। चलिए, उगता है। अब हम लोग बिलायक के बारे में जानेंगे। बिलायक, ठीक है, दो नंबर में, या घोलक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे, सो वैसा पदार्थ, देखिए ध्यान से देखिए, वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को यानी किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं बिलायक या घोलक। बात समझ रहे हैं? बिलायक या घोलक। ध्यान से देखिए और आप लोग समझिए, नहीं समझ में आए कमेंट अवश्य कीजिए, अगर समझ में आए तो समझ रहे हैं ना, लाइक तो एक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है,
कौमा विलायक कहलाता है, शॉर्टकट में विलायक कहलाता है। बात समझ रहे हैं? जैसे में पानी, पानी अपने में चीनी को घुला लेता है, जैसे में पानी अपने में चीनी को घुला लेता है, पानी जो है अपने में चीनी को घुला लेता है, तो पानी अपना में घुलाता है, यानी कि विलायक का काम कौन किया? तो पानी। तो पानी क्या है? तो विलायक का है। बात आप लोग समझ रहे हैं ना? विलायक पानी है। देख लेता हूं थोड़ा सा नीचे तक आता है कि नहीं, चलिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, विलेय था जो दूसरे पदार्थ में घुलता था, विलायक है जो अपने में घुला लेता है दूसरे को। बात समझ रहे हैं ना? हाँ। अब देखिए ध्यान से, विलयन, तीन नंबर में हम लोग जानेंगे विलयन के बारे में। विलयन, विलयन जिसको हम लोग या करके घोल बोलते हैं, घोल, और इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अरे अपना बारी आएगा, अपना बारी आएगा और हम लोग इस बार पास हो जाएगा। तो चलिए, विलयन या घोल, तो वैसा ये शॉर्टकट में लिख देते हैं, एकदम सिंपल, विलय एवं विलायक के मिश्रण को विलयन कहते हैं। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? हमको फुल्ली विश्वास है। एग्जाम्पल में समझिएगा ध्यान से, बको ध्यानम बोर्ड पर, बको ध्यानम बोर्ड पर। अरे विलेय एवं विलायक के मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं या घोल कहते हैं, समझ रहे हैं? हाँ। तो ध्यान से देखिएगा, विलेय प्लस विलायक इज कल टू विलयन, विलेय प्लस विलायक इज कल टू विलयन। अब देखिए, विलेय के जैसे में हम लोग ले लेते हैं चीनी, और विलायक के जैसे में ले लेते हैं पानी, बराबर चीनी पानी का घोल, चीनी पानी का घोल। बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह कैसा लगा, समझ उमझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, अगर समझ में आता हो तो दोस्तों थोड़ा सा बड़ाई करके कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हमको यह टॉपिक या इस मतलब विलायक विलयक हमको समझ में नहीं आया, फिर से मैं इस पर चर्चा करूंगा। अगर अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्या बताऊंगा सो देखिए, सामान्यता के बारे में। सामान्यता आज ही मैं इसका वीडियो में बनाता, इसी को हम लोग कहते हैं या नॉर्मलता बनाता, मगर समझ रहे ना, मगर एक प्रॉब्लम हो गया, आप लोगों को इसके बारे में मैं नहीं बताता तो उसमें आ जाता घोल, कभी मैं विलयन बोल देता तो आप लोग कहते घोल आप विलयन क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर किया हूं। बात समझ रहे हैं? और अगला वीडियो में सामान्यता से न्यूमेरिकल जरूर आता है, सामान्यता या नॉर्मलता से, और इसका एक सूत्र होता है, सूत्र भी पूछ दिया जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव में जो है इसका परिभाषा पूछ दिया जाता है, कैसे पूछता है वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आप लोग अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो घंटा का चीना आएगा उसको जरूर बजा दे, जैसे ही बजाइएगा मैं वैसे ही डालूंगा, तैसे ही पहुंच जाएगा, समझ रहे हैं? चलिए इतना ही पर दोस्तों, समझ रहे हैं? जय हिंद, जय भारत।